झटके और हलाल का फर्क क्या है वो समझिए। जब भी किसी मांस को जब उसकी गर्दन काटी जाती है तो उसमें विंड पाइप होता है, पहले हलाल में सबसे पहले वो काटा जाता है। उसमें क्या है, उसका जो शरीर का जितना भी ब्लड है वो एक साथ निकलता है, उसमें जितने भी नेगेटिव सेल्स होते हैं सब चले जाते हैं। झटके में वो सारे के सारे रक्त जो अंदर रह जाता है, ब्लड पूरा अंदर रह जाता है, इसी वजह से वो जो मांस है उसके दूषित होने के चांसेस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुर्तजा खान। मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई है, ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो राहुल भाई का है जो नॉनवेज खा रहे हैं, और ये नॉनवेज खाते टाइम बता रहे हैं कि हलाल नॉनवेज यानी हलाल मीट खाने के क्या फ़ायदे हैं, हलाल मीट किस तरीके का होता है और झटके वाला मीट किस तरीके का होता है, ये अपनी वीडियो में बता रहे हैं। क्योंकि इस टाइम हलाल मीट और झटके वाले मीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति चल रही है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में हलाल वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया। अगर किसी की दुकान के पोस्टर पर हलाल भी लिखा हुआ है तो उस पोस्टर को भी हटा दिया गया। वहीं किसी की दुकान, मॉल या कहीं पर भी हलाल प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं अभी बिहार में एक बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम है गिरिराज सिंह, वो तो विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने अभी अपील करी कि हिंदुओं को झटके का मीट खाना चाहिए, हलाल मीट नहीं खाना चाहिए, झटके वाला ही गोश्त खाना चाहिए, हलाल वाला गोश्त नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों, एक ये राहुल भाई की मैंने आपको वीडियो दिखाई है, ये हिंदू हैं, राहुल भाई ही बता रहे हैं कि हलाल मीट किस तरीके का होता है और झटके वाले मीट किस तरीके का होता है, वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, आप खुद ही सुन लीजिए। राहुल भाई, नॉनवेज खाते हो? नॉनवेज मैं कल से मैंने शुरू किया है। हमारे मंत्री जी हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने कहा कि हिंदू जितने भी हो झटके का मांस खाएं, तो मैंने आज ही शुरू कर दिया है। भैया झटके का है, हलाल का है? हलाल का, हलाल का। अरे तो फिर मैं नहीं खाऊंगा भाई, हलाल का क्या मतलब है? मुझे तो मंत्री जी ने कहा कि झटके का खाना है, तो झटके का ही खाऊंगा भाई। मेरे तो मैं कैंसिल कर दो, मैं नहीं खाने वाला हूँ। अब तो मजाक सी बात आ गया, झटके और हलाल का फर्क क्या है वो समझिए। जब भी किसी मांस को जब उसकी गर्दन काटी जाती है तो उसमें विंड पाइप होता है, पहले हलाल में सबसे पहले वो काटा जाता है। उसमें क्या है, उसका जो शरीर का जितना भी ब्लड है वो एक साथ निकलता है, उसमें जितने भी नेगेटिव सेल्स होते हैं सब चले जाते हैं। झटके में वो सारे के सारे रक्त जो अंदर रह जाता है, ब्लड पूरा अंदर रह जाता है, इसी वजह से वो जो मांस है उसके दूषित होने के चांसेस होते हैं। सबका अपना मन है, जो झटका खाना चाहता है झटका खाए, हलाल किसी पर प्रतिबद्धता बांधो मत, और सेफ जो है वो हलाल है। ये बात सही बात है, थोड़ा सा सेफ ज्यादा है, झटके में बीमारियां होने के चांस हैं। बाकी सबका अपना अपना मन है, कोई कैसा भी खाए। बाकी मैं भैया फालतू के ज्ञान में ज्यादा लग जाता हूँ भाई, आदि को और निकालो जरा, ये हलाल वाला ही कौन सा? हाँ हलाल वाला, हलाल वाला। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, अब आप जरूर समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, आपके वोट हासिल करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, आपको डराया जाता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं, आपके साथ ये हो सकता है, आपको अलग अलग तरीके के बयान देकर फंसाया जाता है। फिर 5 साल के लिए आराम से नेताजी मौज से 5 साल काटते हैं, फिर 6 महीने 1 साल पहले फिर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि अब अगला चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है, तो इस तरीके के बयान आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाएगी, हलाल और झटके में आपको फ़र्क बताया जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जाएगा, मंदिर मस्जिद किया जाएगा, हिंदू और मुसलमान किया जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको पूछना है अपने नेता से, अपने उनसे जो आपके 5 साल पहले जीते थे, जिनको आपने वोट देकर जिताया था, उनसे पूछना है कि आपने 5 साल में क्या किया है, काम क्या किया है ये बताइए, शिक्षा, रोड, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों पर आपने क्या काम किया है आप ये बताइए, हमें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद धर्म पर हमें मत बांटिए, हम जानते हैं कि हमें किस तरीके से धर्म को फॉलो करना है और धर्म की रक्षा करनी है, हम जानते हैं, हम खुद कर लेंगे, आपको जिताया है था, आप ये बताइए आपने 5 साल में क्या काम किया है।
दोस्तों आपको राहुल भाई की अगर वीडियो अच्छी लगी हो, देख करके आपको लगता हो कि ये वीडियो आगे भी शेयर करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।